राजपुरा पटियाला रेलवे लाइन ते शाम नूं किसानां ने दो रेल गड्डियां रोक दित्तियां ने। किसानां ने इस मौके कहा कि डीएपी दी खाद ना मिलण करके किसान रोजाना ही रेलवे ट्रैक ते आके धक्के खा रहे ने। अज सवेर तो ही किसानां दे वल्लों थां थां ते जाके डीलरां ते सोसाइटियां दे नाल गलबात करके खाद महंगे रेटां ते लई जा रही है। एसडीएम राजपुरा संजीव कुमार ने मौके ते पहुंच के किसानां दा मसला हल करवाया। अति तहसील पद्धर ते आधार कार्ड दे उपर 10 थैले देण ते किसानां ने ही धरना चुक दित्ता है। मैं गुरचरण सेहरा सिन्हा मीत प्रधान बी के चुने डिस्ट्रिक्ट पटियाला। अज क्यों जी रेल रोकेगी है? मसला यह जी किसानों को पिछले समय तो जोड़ा रहे कि यूरिए की बड़ी दिक्कत आ रही है, उस कारण रोकया। पर एस डी एम साहब ने बड़ी सूझवानता आके इतने फैसला किया, आधार कार्ड के बेस से फैसला किया भी जोड़े किसानों की लड़ है उन्होंने आधार से जोड़ा रे आ दिता जाएगा। की कारण की है ब्लैक बिकता है? कार तो यह जी इतने जोड़ा रे आ ब्लैक बिकता है। अज भी एक फड़िया गया जो 400 रुपये थैला बेच रहा है, इतों लैके गया। इस तरह ये ब्लैक आ और नाल जो ये दवाइया देंगे ने, वो कारण कोशिश करते हैं जो यह रैक आता है कि आप जो रे अपने जो अंडरग्राउंड स्टोर ने उत्थे भेज दिए और वो ब्लैक करिए। यही कारण है रौला पैन का। आज जो किसान है वह परेशान हो रहा है, जबकि किसान ने खेतों काम करना है, परंतु रोड के उत्ते इतने आके रेलवे लाइन से किसान है अब सवेरे 3-4 बजे आए हुए ने परेशान हो रहे हैं। जबकि जोड़ा बिट्टू खाद वाला है ये पहले सवेरे साझे ही जोड़ा इन्हें रेह क्ढना सगा, कई हज़ार टन रेह क्ड के अपना जोड़ा अंडरग्राउंड जो स्टोर उन्होंने बचा दते हैं। राजपुरा विखे अज जो है डीएपी का यूरिया का जो है रैक लगे जिहड़े तां सोसाइटियां वाले किसान सी ओह कह रहे सी कि साडा जिहड़ा कोटा पूरा किया जाए, जिहड़े प्राइवेट सीगे ओह कहिंदे वी सानू इस दे विच ते जिहड़ा हैगा ओह हिस्सा दित्ता जाए। दोहां दे विच तकरार सी, इसे कारण दोनों ही किसान यूनियन वालों अलग अलग ने यह रेल जाम कीती होई सीगी। हुण सोसाइटी वाले जिहड़े सीगे किसान उन्हां नूं बेनती कीती गई कि जी कुछ अपने कोटे चों जिहड़ा है ओह हिस्सा जिहड़ा है उन्हां नूं प्राइवेट वाले नूं दित्ता जाए, तो उन्होंने मन गए। तो उन्होंने असी जिहड़े प्राइवेट किसान है उन्होंने 10-10 थैले जिहड़े है ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਹੈ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ? 101% ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਫਿਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਲੈਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। न्यूज 89 पंजाब के लिए राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट।